साहब देखिए किस तरह से बालू की लूट हो रही है। ये अभी अभी सवेरे की तस्वीर है, पुल भी टूट जाएगा। ये माफिया लोग, बालू माफिया लोग इस तरह से लूटा जा रहा है बालू। हाथम को खोखला कर दिया इन माफियाओं ने। देखिए आपसे आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय, देखिए किस तरह से लूट है। देखिए कहाँ है प्रशासन हमारा। देखिए मुख्यमंत्री महोदय, कई बार मैंने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने ही सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए एक वीडियो बनाया है और सरकार को आईना दिखाया है। दरअसल झारखंड में इन दिनों बालू की अवैध खनन बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसे लेकर विधायक इरफान अंसारी ने एक वीडियो बनाया है। यह वीडियो जामताड़ा से धनबाद के बीच बड़ाकर नदी पर बजरा घाट पुल की है। विधायक उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने पुल के नीचे देखा तो वो चौंक गए। दरअसल गाड़ी से उतरकर उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे बालू माफिया नदी से निकालकर बालू किनारे पहुंचा रहे हैं, जहां से बालू को ट्रैक्टरों में भरकर अवैध तरीके से उसकी धुलाई की जा रही है। वहीं इस काम में लगभग 500 लोग लगे हुए हैं और यह काम दिन दहाड़े की जा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस बात से बिल्कुल बेखबर है। वहीं प्रशासन की ओर से बालू माफिया पर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। बता दें कि झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की तरफ से 31 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक है। इसके बावजूद भी बालू खनन का यह खेल बदस्तूर जारी है। बता दें कि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पुल पर खड़े होकर वीडियो बनाई और उसमें कहा कि CM साहब इस बालू खनन के काम पर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि धनबाद के SSP और जामताड़ा की पुलिस की मिली भगत के कारण बालू का अवैध खनन हो रहा है और यह किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रोका नहीं गया तो झारखंड को लूट लिया जाएगा। उन्होंने धनबाद जिला प्रशासन पर भी यह आरोप लगाया है कि रोजाना 25 लाख से अवैध कमाई इस खनन पर खनन के जरिए की जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी अपने ही पार्टी के विरोध में वीडियो जारी किया है और लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर झारखंड सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।